आई एम ग्रूट सीरीज देखने के बाद मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि ये सीरीज एक मिनी सीरीज है और इस सीरीज का यही एक खामिया भी है, क्योंकि ये सीरीज शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। मतलब मैं लिटरली सीरीज चालू करके पानी पीने गया तो आके देखा तो सीरीज खत्म हो चुका था। भाई हमें पता है ये मिनी सीरीज है, मतलब इतना भी मिनी मत बनाओ कि हम कुछ मिनी काम भी ना कर पाए। और आज मैं इसी सीरीज के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि, आप देख रहे हो मूवी ऋषि XP और आप अपना कीमती टाइम सही मूवी देखने में लगाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को एक लाइक कर दीजिए। आई एम ग्रूट सीरीज शुरू होता है हमारा प्यारा ग्रूट, मतलब बड़ा ग्रूट जब मर जाता है उसका ही एक अंश लेके पौधे के रूप में एक टब में लगाया जाता है। और कोई भी पौधे की तरह जब एक पौधे को टब में लगाया जाता है, और ठीक उसी तरह इस सीरीज की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। और धीरे धीरे ग्रूट जितना बड़ा होता है उतना ही उसका शरारत भी बढ़ता जाता है। और कोई भी छोटा बच्चा जैसा शैतानिया करता है इस सीरीज में भी ग्रूट वही सब करते हुए दिखाया जाता है। मतलब छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, छोटी बातों पे खुश हो जाना और छोटी छोटी शैतानिया करना इस सीरीज में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ग्रूट का कुछ एक्स्ट्रा क्यूटनेस के साथ। और बेसिकली मुझे ये सीरीज देखने के बाद ये लगा कि जितनी भी बड़ी मूवीज आई उन सब में से ग्रूट का कुछ सीन काट के ये सीरीज बना दिया गया। मतलब कुछ जो एक्स्ट्रा सीन था वही सब इसमें दिखाया गया। और इसके साथ ये भी सही है कि ये सीरीज देखने में काफी मजा तो आया ही है। और इस सीरीज की लगभग 5 एपिसोड है जो लगभग 3 मिनट के आसपास है, और आप लोगों को यही एक इसकी निगेटिव पॉइंट भी लगेगी। एंड आप लोग ये सीरीज जरूर देख सकते हो हमारे प्यारे ग्रूट के लिए, जो आप लोगों को देखने में काफी मजा भी आएगा। और दोस्तों इसी तरह का मजेदार वीडियो देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए।